हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ बीन्स और शिमला मिर्च की बहुत ही टेस्टी हेल्दी भुजिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट कर लेते हैं ये हेल्दी भुजिया बनाना। बीन्स और शिमला मिर्च का भुजिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है जिसे मैंने गैस पर चढ़ाया है और इसमें मैं एक टेबलस्पून के करीब तेल डाल रही हूँ। और यहाँ पर तेल जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें मैं एक हरी मिर्च डालूंगी। तो इस तरीके से मैंने एक हरी मिर्च को लंबा लंबा काट लिया है और ये डाल देती हूँ। आप इसे चाहें तो बारीक करके भी डाल सकते हैं। मैं इसलिए इसको इस तरीके से डाल रही हूँ ताकि अगर कोई ना खाना चाहे तो इसे निकाल भी सकता है। तो इसे एक से आधा मिनट भून लेंगे। और इसके बाद इसमें मैं एक प्याज डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ। प्याज डालने के बाद इसे हम भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और यहाँ पर मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल दे रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कप शिमला मिर्च और एक कप कटी हुई बीन्स ली है, तो उसके अनुसार ही मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। नमक मैंने पहले इसलिए डाल दिया ताकि प्याज हमारे जल्दी से गल जाएं। नमक डालने से प्याज हमारे बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं तो मैं इसमें ये बीन्स डाल रही हूँ। एक कप के करीब कटी हुई बीन्स है। शिमला मिर्च मैं अभी नहीं डालूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और मिक्स करने के बाद दो मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे। यहां पर मैं इसे दो मिनट के लिए ढक दे रही हूँ, फिर इसे हम दोबारा से ढक्कन हटाकर इसे चला लेंगे। दो मिनट के बाद ढक्कन हटाकर इसे चला लेंगे। और इसके बाद मैं इसे फिर से दो मिनट के लिए ढक रही हूं। बीन्स को ढके हुए दो मिनट और हो चुके हैं। और इसके बाद इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे, तो एक कप कटी हुई शिमला मिर्च डाल के मिक्स करेंगे इसे। शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है इसलिए मैंने इसे बाद में डाला है। अगर हम इसे बीन्स के साथ पकाएंगे तो ये शिमला मिर्च क्रंची नहीं रहेगी और फिर ज्यादा अच्छी भी नहीं लगेगी खाने में। और इसको मैं फिर से ढक दे रही हूँ दो मिनट के लिए ताकि शिमला मिर्च भी हमारी पक जाए। तो बीच में हम इसे एक बार चला लेंगे, फिर इसको ढकेंगे, फिर एक बार हम इसे एक मिनट के लिए ढक देंगे फिर से। तो दो मिनट के बीच में हमें एक बार इसे जरूर चलाना है। दो मिनट के लिए मैंने शिमला मिर्च को भी पका लिया है बीन्स के साथ। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा चम्मच धनिया का पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर हम टेस्ट के अनुसार लेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक चौथाई चम्मच लिया है और एक चौथाई चम्मच ही गरम मसाला है। सभी चीजों को मैं एक साथ ही डाल रही हूँ और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मसालों को मिक्स कर लिया है और केवल आधा मिनट के लिए इसे मैं ढक रही हूँ, एक मिनट भी नहीं, केवल आधा मिनट के लिए इसे ढकेंगे। आधा मिनट के बाद ये सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। मसाले बहुत अच्छे से सब्जी में मिक्स हो गए हैं। देखिए कोटिंग आ गई है मसालों की सब्जी के ऊपर। और इस सब्जी को आप लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, साथ में बीन्स शिमला मिर्च है तो बहुत ही हेल्दी सब्जी है ये। तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है और ये सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है। तो इस सब्जी को आप जरूर ट्राई कीजिए और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए रेसिपी आपको कैसी लगी।
मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।